नमस्कार, लोकल 18 बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए ये तस्वीर आपको बलुआ पुल की दिखा रहे हैं और यहां का नज़ारा देखिए किस तरह से बलुआ पुल पर लोगों की भीड़ जुट चुकी है। ये भीड़ क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं और यह तस्वीर को देखिए किस तरह से ये भयानक तस्वीर। पहली बार इस तरह की तस्वीर यहाँ के लोग ये देख रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह का मंज़र पहली बार देखने को मिला है। जब बलुआ पुल के नीचे उफनती हुए पानी किस तरह से वो निकल रहा है, ये तस्वीर देखने के बाद हर एक लोग अपने मोबाइल में इस तस्वीर को कैद करने के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बलुआ पुल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा बलुआ पुल लोगों से भर चुका है, लोगों का जमावड़ा लग चुका है, तमाम आसपास के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ का कहर एक बार फिर बिहार में बरपाना शुरू कर दिया है और इसको लेकर लोगों में दहशत है। लोग अपने घर को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। सहरसा ज़िले के कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है और इलाके में जो पानी ही पानी घुस चुका है, घर के अंदर भी पानी है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या इस तरह का मंज़र क्या लोगों ने कभी देखा था। भैया क्या ये क्या तस्वीर देख रहे हैं अभी आप लोग यहाँ? पानी का तस्वीर देखे थे कभी आप लोग? ऐसा आज तक तो जिंदगी में नहीं देखे कभी थे? नहीं। क्या लग रहा है कब से ये स्थिति बनी हुई है? तो लगता है कल तक देखने वाला और रहेगा यहाँ दृश्य। अभी तो भीड़ हो जाएगा, मतलब काफी भीड़ होगा यहाँ बलुआ के समीप। आज से पानी का बहाव चालू हुआ है। ये तस्वीर देखे थे आप लोग अभी? नहीं, ये हम लोग अपने पूर्वज से सुनते हैं 84 के बार के बाद। आज पहली बार हमारे पूर्वज भी ऐसा रौद्र रूप कोसी मैया का देख रहे हैं। हाँ। जिसको बिहार के शोक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। अब पता नहीं कोसी मैया क्या करेंगे। डर इतना है जो आप देख सकते हैं कितना गाँव 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर से आदमी आके यहाँ पे देखने के लिए तैयार है। सब देख रहे हैं, सब अपना अपना जान माल सही जगह पे रखने का प्रयास कर रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है। भैया देखने के लिए आए क्या यहाँ पे आप लोग? हम लोग यहाँ पर कोसी का जो रौद्र रूप है, जो कोसी असली जो दिख रही है आज, यही असली कोसी है। और सरकार से मेरा मांग है आपके माध्यम से कि यहाँ पर जो लोग गरीब गुरबा बांध के अंदर रह रहे हैं, उनकी जो त्रासदी में फंसे हुए हैं, उनको देखा जाए। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। हम लोग, मैं जनप्रतिनिधि हूँ इस क्षेत्र का और निकला हूँ देखने के लिए। कई जगह बांध में रिसाव शुरू हो गया है, कटाव शुरू हो गया है और प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ खाना पूर्ति किए जा रहा है यहाँ पर। तो ये तस्वीर पहली बार देख रहे हैं क्या आप लोग? इस तरह का मंजर देख रहे हैं? मैंने तो अपने जीवन काल में पहली बार देखा है। एक बार सुनने में आया था कि 87 में बांध टूटा था, तो शायद उस समय ऐसा कुछ दिखा होगा, लेकिन 84 में, और ये पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ अपने जीवन काल में। जो कोसी का आप खुद भी देख सकते हैं, अगर कैमरा को घुमाएंगे उधर नदी की तरफ तो देखेंगे किस तरह से नदी उफान ले रही है। कोई भी देखकर डर जाएगा, लगता है कि समुंदर में हम लोग खड़े हुए हैं। देखिए उफानती हुई तस्वीर, हर किसी का दिल जो है वो कांप जाएगा, रूह कांप जाएगी। और ये तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपका भी रूह कांप जाएगा। देखिए किस तरह से ये भयावह तस्वीर, ये खतरनाक तस्वीर, लोगों को डरा देने वाली तस्वीर एक चिंता का विषय है। और लोग ये भी अब महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों में डर है वो अब धीरे धीरे बनता जा रहा है। देखिए और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे भाई कैसे। भैया कभी देखे थे क्या माहौल इस तरह? कभी नहीं देखे भैया आज तक। हाँ, पहली बार देख रहे हैं आज 84 के बाद। 84 के बाद पहली बार देख रहे हैं, क्या लग रहा है? लग रहा है इससे भी खतरनाक स्थिति कल होने वाला है। इससे भी खतरनाक? बिल्कुल, जिस हिसाब से पानी हमारे बैरेज से छोड़ा गया है उस हिसाब से लग रहा है जो रात में, इससे भी ज्यादा कहीं पानी ना आ जाए इसमें। इससे भी पानी ना आ जाए, बिल्कुल। देखिए लोग ये बता रहे हैं कि लोगों के अंदर डर है और लोगों की चिंता सता रही है कि आने वाले समय में कहीं इससे बड़ा भी ना हादसा हो जाए। तो खैर हम आपको लगातार अपडेट बता रहे हैं बाढ़ को लेकर, लगातार वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से बाढ़ का हालात है, इलाके की क्या तस्वीरें हैं, लोग किस तरह से रह रहे हैं, बाहर किस तरह से निकल रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा मुहैया कराई गई है, वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं।